जय गुरुदेव आश्रम के प्रबंधक संत राम जी ने मथुरा हलचल से बात करते हुए वार्षिक उत्सव का महत्व तो बताया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति 11वीं बार इस भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें बाबा जय गुरुदेव को उनके अनुयायी याद करते हैं एवं उनके द्वारा दी गई सीख का अनुसरण करते हैं। उन्होंने बाबा जय गुरुदेव द्वारा कही गए प्रवचनों के कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जैसे बाबा जय गुरुदेव द्वारा अनेकों को भविष्यवाणियों की गई थी। उन्होंने बताया कि बाबा जी का हमेशा यह कहना था कि लोग शाकाहारी बने, स्त्रियों को माँ बहन की दृष्टि से देखें, सभी युवा नशे का त्याग करें, बुरे विचार का त्याग करें, नफरत की दीवारें तोड़ें, ताकि एक नए समाज का निर्माण हो सके। संत राम जी ने बताया कि टाट पहनने का क्या महत्व है। टाट पहनना तपस्या एवं समर्पण की निशानी है। इससे सभी विषय नियंत्रण रहता है एवं साधक नियम संयम का पालन कर पाता है। उन्होंने सभी ब्रजवासियों का आश्रम को दिए प्रेम के लिए धन्यवाद दिया। इस समय हम मौजूद हैं जय गुरुदेव आश्रम में। बाबा जय गुरुदेव, जिनका हमेशा ये कहना रहा कि शाकाहारी बनिए, बीमारी से बचिए, और इस समय हम मौजूद हैं बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में। हर वर्ष की भांति 17 से 21 मई जो इनका मेले का आयोजन होता है, उसी प्रकार इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव इनका मनाया जा रहा है। हमारे साथ जानकारी देने के लिए आश्रम के पदाधिकारी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका मथुरा हलचल के इस कार्यक्रम में। मैं संत राम चौधरी, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का प्रबंधक। इस समय हमारे आश्रम पर पारंपरिक जय गुरुदेव वार्षिक भंडारा मेला आयोजित है, और ये हमारे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पूर्ण स्मृति में यह 11वां पौन वार्षिक भंडारा है। इस अवसर पर नित्य प्रातः 4 बजे जागरण की घंटी बजती है और लोग मंदिर के पीछे मेला मैदान में उपस्थित होकर के प्रार्थना और साधना में भाग लेते हैं। 5:30 बजे से उपदेशकों के कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। हमारे संस्था के 3 प्रमुख राष्ट्रीय उपदेशक हैं। पहले श्री बाबूराम जी, दूसरे श्री सतीश चंद जी, तीसरे श्री राजेश जी। इन लोगों के प्रवचन क्रमशः होते रहते हैं, और आज जैसे 18 मई है, रात्रि 9:30 बजे से यहाँ मंदिर में पूजन प्रारंभ होगा, जो रात भर चलता रहेगा, और कल 19 मई को भंडारा पर्व मनाया जाएगा। कल का दिन खास है, और प्रातः 6 बजे से संस्था के प्रमुख हमारे पूज्य पंकज जी महाराज का प्रवचन होगा, और फिर सायंकाल उपदेशक श्री सतीश चंद जी का कार्यक्रम। इसी प्रकार से 21 मई तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। कार्यक्रम का हमारे मुख्य उद्देश्य ये है कि इस पावन पर्व पर हम गुरु महाराज की याद करते हैं, उनके वचनों को याद करते हैं। उन्होंने जो संदेश दिया कि गृहस्थ आश्रम में रहें, खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करें, और थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान के भजन में लगावें। अन्य कोई भी धर्म के लोग जो हों, वो भी अपने अपने नियम के अनुसार उस मालिक की याद अवश्य करें, और जो रास्ता देते हैं पूज्यपंत जी महाराज, वो सूरत सद्योग का रास्ता है, जो कि कलयुग की सबसे सरल साधना है। इसमें विशेष रूप से शाकाहारी रहना है, साथ ही साथ जितने भी मादक पदार्थ हैं शराबार, उनका त्याग, और आँखों में माँ बहन बेटी की पहचान। तो हमारा शाकाहार सदाचार मध्य निषेध का, और साथ ही साथ चरित उत्थान का एक विशेष अभियान चलता है, जो कि अभी 24 मई से शुरू होगा, और इसके बाद 24 से प्रारंभ होकर के और 25 मई को बाराबंकी ज़िले में सफदरगंज के पास तरमुल्लापुर, और उसके बाद वहाँ से गोरखपुर के प्रत्येक ब्लॉक में, यहाँ 20 ब्लॉक हैं, और हर ब्लॉक में 2-2 सत्संग के कार्यक्रम होंगे, और उसके बाद लौट करके फिर आजमगढ़ में, यहाँ हमारे राष्ट्रीय उपदेशक श्री सतीश चंद जी का
गांव भी है और वहाँ खानपुर जय गुरुदेव आश्रम का वार्षिक उत्सव है, उसमें भाग लेंगे। फिर अयोध्या जिले के हरिमतीनगंज और वहाँ से फिर उदयखेड़ा लखनऊ, और इस कार्यक्रम का समापन 19 जून को सीतापुर जिले के लहरपुर, जो कि तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ समापन होगा। और इसी तरह के कार्यक्रम बराबर यहाँ चलते रहते हैं। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम ही जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में मनाया जाएगा, क्योंकि ये आषाढ़ की पूर्णिमा जो है ये भारत भर में गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाई जाती है। ये गुरु पूजा का विशेष दिन है और इस अवसर पर दहेज रहित शादियाँ भी हो रही हैं और होती हैं, और हमारे ब्रजवासी और साथ ही साथ हमें जनता इसमें बहुत ही अपनी सद्भावना देती है। और हमारी यही अपील है कि जो लोग संस्था के कार्यक्रमों को जान गए हैं और उनको भी उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि शाकाहारी हैं, नशे का त्याग कर किए हैं, बहुत अच्छा है। नए हैं तो हाथ जोड़ करके विनती है कि शाकाहारी हो जाएं, नशे का त्याग करें और आँखों में माँ बहन बेटी की पहचान लें, इससे हमारा समाज बहुत अच्छा चलेगा। इसके आगे क्या है कि बाबा जी ने खराब समय की बहुत भविष्यवाणी कर रखी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मथुरा की जनता लगातार देखती आई है कि यहाँ टाट रूपी वेशभूषा भी रहती है, तो कौन होते हैं जो ये टाट अपने ऊपर धारण करते हैं, क्या मान्यता है इसकी? परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली के बोट क्लब पर 1983 में किया था और एक आदेश जारी किया था स्वेच्छा से जो लोग टाट पहनना चाहते हैं पहन लें, ये परिवर्तन की निशानी है। और उस समय बाबा जी ने यह कहा था कि हमारे भारत देश की अभी प्रगति इतनी ही है कि बहुत से बदनसीब इंसान मर जाते हैं, उनको टाट की कफन भी नसीब नहीं होती। ये एक तपस्वी गाना है और इससे मन पर बड़ा कंट्रोल होता है, इससे सुमिरन ध्यान भजन होता है। और अब तो हमारी संख्या कम हो गई, उस समय 1 करोड़ लोगों ने टाट पहना था, लेकिन तब से कोई आदेश टाट पहनने का बाबा जी ने दिया नहीं था और हमारी संख्या अब कम हो गई और आप जैसे कपड़े पहनने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 1983 में पहना था और अब भी पहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिज्ञासा हमेशा मन में बनी रहती है, तो आप एक जनता को संदेश ब्रजवासियों को क्या देना चाहते? ब्रजवासियों से बहुत बड़ा लगाव है और यह ब्रज भूमि सदा से धार्मिक भूमि रही है। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई और बहुत पुराना शहर है ये, और यहाँ के लोग परम धार्मिक हैं। और साथ ही साथ जब इस बात को जान जाएंगे कि जैसे पढ़ाई में कोर्स बदलते रहते हैं और किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताब पड़ी हो 20 साल पुरानी पिताजी की, और अब वो कहे उसे पढ़ करके हम परीक्षा देंगे, तो शायद वो पास नहीं होगा, क्योंकि अब वो कोर्स के बाहर की चीज़ हो गई। और इस अनुसंधान के युग में बहुत सी चीज़ें बदल गई। इसी तरह से साधना के भी बहुत रास्ते बदल गए, क्योंकि 4 प्रकार का अंतर हो गया। एक तो हमारी आपकी आयु में कमी हो गई, साथ ही साथ शारीरिक शक्ति कम हो गई और मन इतना चंचल हो गया कि सत्संग की बातें सुनाई जाए तो मन ये कहता चलो दुनिया छोड़ो और भगवान का भजन करो, लेकिन साथी बदल गए, परिवेश बदल गया, तो कहता हमको इससे क्या मतलब। तो मन की भी स्थिति में बड़ा बदलाव आया और साथ ही साथ अन्न में प्राण चला है कि अगर इस शरीर के लिए कोई पोषक तत्व तो आप न डालें तो ये शरीर आपका नहीं चल सकता। तो 4 प्रकार का विशेष बदलाव, कि शारीरिक शक्ति में कमी, मन की चंचलता और साथ ही साथ अन्न में प्राण हो जाना, ये बहुत बड़े जो है परिवर्तन अन्य जीवों से हो गए। इसलिए इस कलयुग में संतों ने वो साधना जारी की कि हमारी सारी आत्माएं शब्द साउंड आवाज़ पर जो कि बाहर के कान से नहीं सुनाई देती है, इसलिए उसको अनहद वाणी, आकाशवाणी, वेदवाणी, इनऑडिबल साउंड कहते हैं, उस पर हमारी आत्मा उतार करके हलाई गई
और उसका संबंध यहाँ छूट गया। जब ये फिर उससे शब्द से जुड़ जाएगी तो ये अपने घर पहुँच जाएगी। तो ये शब्द की साधना संतों ने जारी किया। सर्वप्रथम इस धरती पर संत कबीरदास जी आए, उन्होंने इस रास्ता को जारी किया। फिर जो है रविदास जी महाराज, नानक साहब और गोविंद साहब, पलटू साहब, बहुत से ऐसे संत आए, और आगरा में स्वामी श्री दयाल जी महाराज, अन्य बहुत से ऐसे संतों का अवतरण हुआ जो कि गृहस्थ आश्रम में रह करके लोगों को भजन साधन का रास्ता बताया। बस मोटी बात इतनी है, शाकाहारी रहना है, नशे का त्याग करना है, और साथ ही साथ चरित्र पर ध्यान देना है। बस इतना ही काम करेंगे और मेहनत ईमानदारी से करते हुए अपने काम को और अपना जीवन यापन करेंगे तो बच्चे भी सुखी रहेंगे, बीमारी में पैसे नहीं खर्च होंगे। और बाबा जी का तो यही कहना है कि आप सभी लोग भाई शाकाहार को अपनाएं, और साथ ही साथ आप आपस में सब प्रेम बढ़ाओ, खिलकत को खुशहाल बनाओ। और उन्होंने कभी किसी से जात नहीं पूछी, शादी विवाह में भले जात पूछी हो, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता दोनों आँखों से ऊपर का है, और जात पात को ना हम बनाते हैं ना बिगाड़ते हैं। और जब ऐसे महापुरुष चाहे किसी जात में हो पहुँचे हुए जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, जब उनका सानिध्य मिल जाएगा तो रास्ता मिल जाएगा और हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सरदर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैराडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। एक्सेल 100 नहीं, टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज, ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। नई टीवीएस एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। मेहरबान कदरदान साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पन फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं खुशियाँ बढ़ती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।